माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आज आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। जो मेरे पास एक 5 MP स्विच है, एक 2A स्विच है, इसमें 2A है, इसमें 5 MP स्विच है, और ये रेगुलेटर है और ये होल्डर है। ये वीडियो रेगुलेटर और नॉर्मल मोड, रेगुलेटर में जो स्टेप आते हैं 1, 2, 3, 4 वो ऐसा होता है, और नॉर्मल मोड में कि जैसे हम लोगों को नॉर्मल मोड में पंखा सीधा 5 के ऊपर करना है, तो ये स्विच आप गिराओगे तो 5 के ऊपर हो जाएगा, ऊपर कर लोगे तो रेगुलेटर मोड में हो जाएगा। ऐसे ही बताने वाला हूँ आपको ये चीज़ आप कैसे कर पाते हो। देखो पूरा वीडियो, मैं आपको बारी बारी के सब समझाता हूँ कैसे वायर देना है, क्या देना है। देखो एक बार वीडियो में, अभी वायरिंग कर रहा हूँ मैं, इसका बता के जाऊँगा कैसे कैसे मैं करता हूँ सब कुछ। देखो ये 5 एम्पीयर स्विच है और ये 2A स्विच है, तो 5 एम्पीयर में से ऊपर से हम लोग जो ऊपर से पावर निकालते हैं चीज़ में, नीचे पावर देते हैं, तो ऊपर से पावर निकाल के इसमें 2A में दे देने का। देखो जैसे देखो ऊपर से पावर निकल के इसमें बीच में दे दिया। रेगुलेटर है, रेगुलेटर का एक सिरा आप ऊपर की साइड दे दोगे। देखो जैसे ऊपर की साइड दे देने का, एक होल्डर लेने का। ये होल्डर लिया मैंने, इसको जो रेगुलेटर का दूसरा सिरा होता है उसके साथ में उसको यहाँ पे दे दिए। रेगुलेटर में से 2 वायर निकला है, एक ऊपर दे देने का 2A स्विच में, नीचे होल्डर का जो जो वायर आता है, जो पॉइंट का हमारा जो वायर आता है उसको साथ लेके दूसरे साथ के दे देने का। देखो ऐसे ये होल्डर का हो गया और ये रेगुलेटर आ गया, दोनों ऊपर का रेगुलेटर का दूसरा आ गया, बीच में पावर आ गया। होल्डर में जो पावर आ गया न्यूटन है, वो डायरेक्ट सीधा चला जाएगा, न्यूटन सीधा चला जाएगा। अभी ये स्विच में से पावर लेके, इसमें से पावर लेके वो पावर में देने का है। देखो मैं पावर का दे रहा हूँ, पावर का दे दिया। पावर का दे दे, इसमें पावर चला देने का, पुश कर दियो। देखो यहाँ से मैंने चालू किया, ये अभी नॉर्मल मोड है। अभी नॉर्मल मोड है, देखो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी मैं उसको रेगुलेटर मोड में ला रहा हूँ, 2A में नीचे की साइड में करूँगा। देखो हुआ चालू, स्टेप में हो गया, रेगुलेटर स्टेप में। देखो ये बंद हो गया, अभी ऊपर करूँगा स्विच में 2A का, तो ये नॉर्मल मोड में चालू हो जाएगा। अभी फिर से कर रहा हूँ, देखो ये रेगुलेटर मोड में हो गया, और यहाँ से बंद कर दोगे पूरा बंद हो गया, चालू नहीं होगा। देखो ये आप ये
जो टू वे स्विच है और ये 5 एम्पीयर स्विच है, तो आप ये टू वे शिफ्ट में भी उपयोग कर सकते हो। आप कहीं पे भी दो टू वे लगाते हो, आप एक लगा के जैसे कि एक तरफ बेड है वहाँ पे दो टू वे आपको लगाना है, दो टू वे स्विच लगाना है, तो वहाँ पे एक तरफ जहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं वहाँ पे एक वन वे स्विच डाल दोगे, और जहाँ पे बेड होगा वहाँ पे टू वे लगा दोगे, तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे जो वन वे स्विच हम लोगों ने जब एंट्री करते हैं वहाँ पे वन वे स्विच मारा है, वहाँ पे वन वे स्विच मारा, तो वहाँ से आपको खाली एक वायर ले जाना पड़ेगा पावर का, जो कि बेड के पास, बेड के पास आप ले जाओगे रेगुलेटर वहाँ पे होगा आपका, बेड के पास ही रेगुलेटर होगा, तो वहाँ से आप यहाँ से कोई एंट्री करता है तो रेगुलेटर चालू होगा, रेगुलेटर तो चालू रहता है, तो यहाँ से कोई एंट्री करता है तो यहाँ से भी फैन चालू कर सकता है, और के बेड के पास जाके आपको 5 के ऊपर पंखा करना है, 5 ऊपर 5 ऊपर पंखा फैन करना है, तो आप उसको ऊपर कर दोगे तो ये नॉर्मल मोड हो जाएगा, पूरा 5 के ऊपर ही चलेगा, और नीचे जो टू वे स्विच में नीचे की साइड करोगे तो रेगुलर के ऊपर चलेगा, स्टेप के बाद में स्टेप बाय स्टेप चलेगा पंखा, या आपको टू वे की स्विच भी जगह पे भी काम आ सकता है कहीं पे भी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, हमने अभी कोई न्यू चैनल ही खोला है, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, थैंक यू।